हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, दोस्त से निकला हत्यारा, आपसी कहा सुनी के बाद बोतल मारकर घोटा था गला, शव को फेंका नाड़ी में। जिले के ओसिया थाना क्षेत्र में एक दिन पहले नाड़ी में मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक को उसी के दोस्त ने मर्डर कर शव को नाड़ी में फेंका था। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया कि ओसिया निवासी दीपक मेघवाल के ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए आरोपी हरीश उर्फ मनीष को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले मंगलवार को ओसिया कस्बे के पास स्थित मेला मैदान के नजदीक बानेलाव नाड़ी में दीपक का नग्न अवस्था में शव मिला था। मृतक के पिता रमेश चंद्र ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका पुत्र दीपक का दो दिन पहले किसी काम से बाहर गया हुआ था। वो वापस घर नहीं आया तथा उसका फोन भी बंद हो गया था। परिजनों ने दीपक की हत्या कर शव को नाड़ी में फेंकने का संदेह जताया था। इस पर पुलिस ने विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इस दौरान सूचना मिली कि मृतक दीपक को 11 अक्टूबर को हरीश के साथ जाते हुए देखा गया था। इस पर हरीश को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो और मृतक दीपक आपस में दोस्त है। गत 11 अक्टूबर की शाम को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के पास बनी बानेलाव नाड़ी के तट पर वो आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान कहा सुनी एवं मारपीट हो गई। तब वहां पड़ी कांच की फूटी हुई एक बोतल से वार किया तथा उसे नीचे पटक कर गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाड़ी में फेंक दिया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।